हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडी प्लैटर। ठंडी ठंडी लस्सी पीना किसी अच्छे नहीं लगता, और सबसे अच्छी इसकी बात ये लगती है कि ये बहुत जल्दी से बन जाती है। तो चलिए आज मैं ऐसे ही चार अलग अलग किस्म की लस्सी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा किलो दही। काफ़ी थिक कर्ड है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एकदम चिल्ड फ्रिज में रखा था मैंने। अब इसको आपको मथना है। यहाँ पे चर्न कर रही हूँ मैं इसको, करीबन 10 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दही लस्सी का जो बेस होता है वो बन के रेडी हो चुका है। आप देखिए कितनी स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है। लस्सी बनाने से पहले आप दही को एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, मीठी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिक्सर में मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब और 3 चम्मच शक्कर डाला है, और फिर डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर और 1 चम्मच एकदम जो थिक मलाई होती है वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसको डाल के थोड़ा सा पानी भी डालूंगी मैं यहाँ पे, करीबन 3 चम्मच, और इसको मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एक अच्छी लस्सी की पहचान दही से होती है, तो दही बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और ऊपर यहाँ पे देखिए जो मलाई लस्सी है रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए 1 चम्मच और मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने ऊपर इलायची पाउडर डाला है, पिस्ता डाला है। गार्निशिंग हो चुकी है और ये पीने के लिए रेडी है। जो दूसरी लस्सी है वो मैंगो लस्सी है। मैंगो का सीजन आ चुका है, तो अगेन हम सेम वही 1 कप दही लेंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी 1 कप पल्प, मैंगो पल्प जो आता है उसको ब्लेंड कर लिया था मैंने। 1 चम्मच मैंने पिस्ता डाला है, फिर 3 चम्मच मैं शक्कर डाल रही हूँ। आप शुगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और पानी डाल रही हूँ 3 चम्मच। पानी डालने से जो दही है वो ब्लेंड होने में आसानी मिलेगी लस्सी को। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है, काफी अच्छा स्मूथ क्रीमी टेक्स्चर आ जाता है। ये देखिए मैंगो लस्सी बनके रेडी हो गई है। ग्लास में डाल लिया है और पिस्ते से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। मैंगो अपने आप में एक बहुत टेस्टी फ्रूट है, और जब दही के साथ मिक्स होके लस्सी के फॉर्म में ये बनकर आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। अब बढ़ते हैं तीसरे लस्सी की ओर, डेट एंड फिक्स लस्सी। यहाँ पे अंजीर, 2 अंजीर लिया है जिसको मैंने भिगो के रख लिया था। साथ ही मैं डाल रही हूँ डेट्स, इसमें डाल रही हूँ पानी। दही डालने से पहले इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, पेस्ट बन चुका है। इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही, शक्कर डाल रही हूँ वही 3 चम्मच, और आइस क्यूब्स डाल रही हूँ इसमें, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए ये भी बनके रेडी हो गया है, ग्लास में डाल लेंगे। देखिए देखते ही देखते जो हमारी ड्राई फ्रूट लस्सी है बनके रेडी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ रोज लस्सी, जिसके लिए अगेन मैं ले रही हूँ 1 कप दही, शक्कर डाल रही हूँ 3 चम्मच, रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ, बहुत आसानी से रूह अफ़ज़ा सिरप मार्केट में मिल जाता है, 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे, और पानी डाल रही हूँ 3 चम्मच। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखते ही देखते 4 फ्लेवर की लस्सियाँ इतनी आसानी से और इतने कम समय में रेडी हो गई। आप भी इसको बनाइए, जो भी घर पे आता है उसको पिलाइए, खुद भी पीजिए, और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।